गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम जो है प्लास्टिक के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बचे हुए हैं वो पढ़ते हैं और उसके इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखो डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर है भाई एडवांटेज है तो उस चीज़ के डिसएडवांटेज भी होंगे, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर से जो क्लोथ बनते हैं वो जल्दी से आग पकड़ जाते हैं, अगर उनको गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं। तो कैच फायर मीन्स जल्दी आग पकड़ते हैं, मेल्ट ऑन हीटिंग अगर गर्म करेंगे जैसे मान लो आग वगैरह जल जाती है तो स्किन के चिपक जाते हैं ये कपड़े, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक्स, हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी, मीन्स इसका फायदा भी है और नुकसान भी है प्लास्टिक का। फायदे हमने कल देखे भी थे, पहला तो ये कि लाइट वेट होता है, हल्का होता है। दूसरा ये होता है ड्यूरेबल होता है, मीन्स लंबा चलता है। लो प्राइस होती है, कीमत भी कम होती है। ये नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पॉजिटिव एक्सेप्ट हो गए। इनसे ये हमें फायदे देते हैं कि भाई हल्के वेट होता है, काफ़ी चलता है, प्राइस भी कम होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, जिसके कारण से मीन्स हम प्लास्टिक के बने हुए कंटेनर बर्तन वो यूज़ करते हैं। लेकिन प्लास्टिक के नेगेटिव एफेक्ट भी है, मीन्स ये नुकसान भी करता है, क्योंकि आप सभी ने देखा दो तरह के वेस्ट होते हैं। एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, जो इजिली से डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे मान लो जो कूड़ा कचरा जो डिकम्पोज हो जाता है, तो इसमें क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन्स जो कूड़ा कचरा डिकम्पोज हो जाता है वो कौन सा हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे किचन वेस्ट है, किचन से वेस्ट निकलता है, जो एनिमल डग हैं एनिमल्स जो वेस्ट है वो भी क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। किचन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सारे किसमें आ गए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। तो इनकी तो जो है कंपोस्ट बन जाती है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो ये अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव असर क्या हो गए, मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। ठीक है, दूसरा एक ही प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है, अगर इनको हम गर्म करेंगे तो काफ़ी जो है पॉइजनस गैसेज निकलते हैं जिसके कारण से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो क्या है अपना प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, मीन प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होता है। पहली बात ये कि जब प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसके कारण से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। दूसरा ये कि अगर हम प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो वो पूरी तरह से जलता नहीं है, कंप्लीट बर्न नहीं करता है, और पूरी तरह से नहीं जलेगा तो इसके अंदर काफ़ी पॉइजनस गैसेज निकलेंगी, फ्यूम्स निकलेंगे, जिसके कारण से एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सो इट कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसलिए इसके होते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। व्हेन प्लास्टिक इज बर्न इट डज नॉट कम्प्लीटली बर्न, मीन्स अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो पूरी तरह से नहीं जलता है इजली, एंड इट रिलीज पॉइजनस फ्यूम, और काफ़ी जो पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं जहरीली जो है इन टू द एटमोसफियर काजिंग एयर पॉल्यूशन, और जिसके कारण से क्या होता है एयर पॉल्यूशन होता है। अब जो प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है, प्लास्टिक से जो ऊपर हमने पढ़ा कि भाई इनसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो इनको हम रोक कैसे सकते हैं, इनको मीन्स प्लास्टिक को प्रिवेंटेशन कैसे कर सकते हैं जो प्लास्टिक पोल्यूशन है। तो फॉलोज 5R प्रिंसिपल, आपने 3R तो पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि हम अगर हम 5R प्रिंसिपल को फॉलो करें, 3R आपने पढ़ा है रिड्यूस रीयूज, ठीक है, और रिसाइकल वाला। अब 5R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस मीन्स हमें कम, ठीक है, रीयूज हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना पॉसिबल हो उसके मीन्स प्लास्टिक की, जैसे अपने देखा होगा कि हम प्लास्टिक की जो पॉलीथीन लेके आते हैं आजकल उन पे बैन लगा हुआ है, वो इसलिए मीन्स रीयूज रिफ्यूज। ठीक है, एक तो ये है कि जैसे मान लो हमारे घर के अंदर जो कंटेनर होते हैं, जैसे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, उनको हमें फेंकने की बजाय उनको दोबारा से यूज कर लेना चाहिए, वो तो रीयूज हो गया, रिफ्यूज करना चाहिए मीन्स हमें कम से कम भाई प्लास्टिक का यूज ना करना चाहिए। ठीक है, रिकवर हो गया या फिर रिसाइकल हो गया। ठीक है, प्लास्टिक को हम रिसाइकल करके भी कर सकते हैं, तो 5R प्रिंसिपल को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को कम से कम जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को है उसको कम कर सकते हैं। जो आपका ये वाला थर्ड लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,